आप हाउसवाइफ हो या स्टूडेंट हो, वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन आपके पास सेविंग नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए और आपके पास टाइम बहुत है जो आप यूटिलाइज करना चाहते हो, तो इस वीडियो में हम जानेंगे सोशल सेलिंग से आप कैसे अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और इस वीडियो के एंड तक आप पूरी तरीके से सीख जाएंगे कि सोशल सेलिंग क्या है, सोशल सेलिंग में क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, मतलब रिक्वायरमेंट क्या होता है और सोशल सेलिंग के ज़रिए आप कैसे अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और इम्पॉर्टेंटली प्रोडक्ट कहाँ से आपको सोर्स करना है, प्रोडक्ट कहाँ से आपको मिलेगा सोशल सेलिंग के लिए, ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो एंड तक देखना मत भूलिए। हाय दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। मैं हूं ममिता और स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जायका सेलर ज्ञान पे। दोस्तों, इंडिया में ई कॉमर्स मार्केट हर साल तेजी के साथ ग्रो कर रहा है और क्यों ना हो, सस्ता स्मार्टफोन और डेटा की वजह से वर्ल्ड में मोबाइल यूजर में इंडिया रैंक 2 पर है और ये प्रोजेक्टेड है 2025 तक इंडियन ई कॉमर्स मार्केट 16 लाख करोड़ का होगा और सोशल कॉमर्स मार्केट 5 लाख करोड़ का होगा। तो आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा मार्केट होने जा रहा है। तो इतने बड़े मार्केट जो आगे आने वाला है, इसमें आप अपना शेयर अगर बनाना चाहते हैं तो आपको आज ही शुरू कर देना चाहिए ई कॉमर्स बिजनेस और सोशल सेलिंग। तो यही अच्छा समय है सोशल सेलिंग स्टार्ट करने का। आप सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सोशल सेलिंग है क्या। तो सोशल सेलिंग, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सोशल यानी कि सोशल मीडिया सेलिंग। सिंपल भाषा में सोशली बेचना या सोशली सेलिंग करना। तो जैसा हम प्रोडक्ट सेल करते हैं अपनी कस्टमर को सोशल मीडिया के माध्यम से, लाइक फेसबुक से हम प्रोडक्ट सेल करते हैं या इंस्टाग्राम से हम प्रोडक्ट सेल करते हैं या फिर व्हाट्सएप में ग्रुप बना के हम प्रोडक्ट जो सेल करते हैं, इसे सिंपल भाषा में सोशल सेलिंग कहा जाता है। आप जानते हैं कि बेनिफिट्स क्या है सोशल सेलिंग का। सबसे बड़ा बेनिफिट सोशल सेलिंग का ये है कि इसमें कोई भी बैरियर नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो सोशल सेलिंग आप बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना ऑफिस और बिना आप मैन पावर के भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी ऑफिस की ज़रूरत नहीं है, ऑफिस से आपको स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आप आराम से इजीली स्टार्ट कर सकते हैं और इसके लिए आपको, जैसा मैंने कहा, कोई इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं होता है और इसमें आपको कोई एम्प्लॉय भी हायर करने की ज़रूरत नहीं होता। लेकिन हाँ, आगे जाके आपका बिजनेस जब ग्रो करेगा तब आप ऑफिस सेटअप कर सकते हैं, टीम भी हायर कर सकते हैं और तब जाके आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन इनिशियली जब आप स्टार्ट कर रहे हैं सोशल सेलिंग तो आपको कोई भी ऑफिस की रिक्वायरमेंट नहीं होता है और आपको कोई अलग से इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं होता, टीम भी हायर करने की ज़रूरत नहीं है जब आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं। सोशल सेलिंग में एक और बेनिफिट ये होता है कि आप कस्टमर के साथ डायरेक्टली वन ऑन वन इंटरेक्शन करते हैं और जिससे कि कस्टमर का ट्रस्ट भी आपके ऊपर बनता है। अब वन ऑन वन इंटरेक्शन जब करते हैं तो आप कस्टमर की पसंद नापसंद सब जानते हैं और कोई इशू भी हो रहा है तो उसे आप सॉल्व भी कर पाते हैं इजीली। तो इस वन ऑन वन इंटरेक्शन के वजह से कस्टमर का ट्रस्ट बिल्डअप होता है और आपके साथ कस्टमर की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छा होता है। और अगर कस्टमर आपके प्रोडक्ट से खुश है, आपकी प्रोडक्ट से, आपकी सर्विस से खुश है तो वो लॉन्ग टर्म बाय भी करते हैं और इससे आपको रिपीट ऑर्डर मिलता है। और जब कस्टमर खुश होते हैं आपकी प्रोडक्ट या सर्विस से तो वो रेफर भी करते हैं अपनी सोशल सर्कल में या फिर फ्रेंड्स में, तो फिर आपको ऐसे रेफरल ऑर्डर्स भी मिलता रहता है। तो इससे डायरेक्टली फायदा ये होता है कि कस्टमर एक्विजिशन बहुत लो कॉस्ट में हो जाता है और इसके साथ साथ ये एक लो रिस्क बिजनेस ऑप्शन भी बनता है आपके लिए। अब जानते हैं कि सोशल मीडिया सेलिंग कौन कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि रिक्वायरमेंट क्या होता है। तो सोशल सेलिंग करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होता है, कोई भी स्टार्ट कर सकता है, कोई भी सोशल मीडिया यूज़र ये स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक अगर आपका व्हाट्सएप
आप यूज़ करते हो या फिर आप फेसबुक यूज़ करते हो या फिर आप इंस्टाग्राम यूज़र हो, आप सोशल सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस की आपको ज़रूरत नहीं है, सेलिंग एक्सपीरियंस की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं होता। अभी कोरोना के टाइम पे बहुत लोग जॉबलेस हो गए हैं अनफॉर्चुनेटली, तो अगर आप सोच रहे हैं कि घर बैठे कैसे बिजनेस शुरू कर सकते हैं, तो आप सोशल सेलिंग को एज ए ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको, जैसे मैंने कहा कि शुरू करने के लिए आपको कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं है जब आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप घर बैठे अगर सोच रहे हैं कि आप टाइम दे सकते हैं, तो फिर आप सोशल सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सोशल सेलिंग एंटरप्रेन्योर आप बन सकते हैं, और इसके लिए आप हमारे आने वाले वीडियोस को भी देखिए। मैं इसके ऊपर एक सीरीज़ बना रही हूँ जिसमें कि मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी कि कैसे आपको सोशल सेलिंग स्टार्ट करना है और किस प्रकार से आप इसे ग्रो कर सकते हैं घर बैठे। तो आप हमारी सीरीज़ को फॉलो करें तो आप पूरी तरीके से सीख जाएंगे कि सोशल सेलिंग एंटरप्रेन्योर कैसे आप बन सकते हैं। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं और हमारी दिए गए इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और इसके लिए आपको सिंपली सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन भी सिलेक्ट करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि आप सोशल सेलिंग कैसे स्टार्ट करेंगे और इसके लिए क्या क्या आपको चाहिए होगा। तो सोशल सेलिंग स्टार्ट करने के लिए आपको बस एक स्मार्टफोन चाहिए, सोशल मीडिया अकाउंट चाहिए, और इमेज एडिटिंग स्किल थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए, और इससे ही आप सोशल सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सोशल सेलिंग स्टार्ट करने के लिए आपको कोई भी बिजनेस रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, कोई भी GST रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, ट्रेड लाइसेंस नहीं चाहिए, और ट्रेडमार्क का भी ज़रूरत नहीं होता है। अभी बारी आती है बहुत इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन की। आप मुझसे पूछेंगे कि सोशल सेलिंग तो हमने जान लिया, कैसे करना है ये भी जान लिया, लेकिन हम सेल क्या करेंगे सोशल मीडिया पे? प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा? आप प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए हमारी प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, जो B2B होलसेल वेबसाइट है, जहाँ पर मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और सेलर कनेक्ट होते हैं, और इसका नाम है wholesaloy.com। इसके अलावा अभी 2021 में बहुत सारे ऐसे रीसेलिंग ऐप्स आ गया है जो आपको वाइड रेंज प्रोडक्ट कैटेगरी के साथ साथ आपको लॉजिस्टिक सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, और हर तरह का पेमेंट ऑप्शन भी आपको अवेलेबल कराते हैं। स्पेशली कैश एंड डिलीवरी ऑप्शन भी आपको मिल जाते हैं, आपके कस्टमर के लिए कैश एंड डिलीवरी का ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में, आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मार्केट में मैं रीसेलिंग ऐप की बात करूं, तो ऐसे बहुत सारे ऐप्स आपको मिल जाएंगे, मीशो, ग्लोरो, शॉप वॉनट वॉन, तो ऐसे रीसेलिंग ऐप्स को भी आप देख सकते हैं, जिसमें आपको इस प्लेटफॉर्म्स में आपको स्पेशली मल्टीपल कैटेगरीज की प्रोडक्ट मिल जाते हैं, साथ में आपको लॉजिस्टिक सपोर्ट, और इसके साथ साथ आपको हर तरीके का पेमेंट ऑप्शन भी, स्पेशली कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन भी आपको मिल जाते हैं। इसके वजह से आप अपना सोशल सेलिंग जर्नी ईजिली स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके आसपास कोई ऐसी प्रोडक्ट तैयार हो रहा हो जो लोकल आइटम हो या रीजनल आइटम हो, और आप डायरेक्टली ऐसी प्रोडक्ट्स को सोर्स कर सकते हो, तो इस टाइप की प्रोडक्ट्स को आप सोशल मीडिया पे सेलिंग कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे काम करना होगा, जैसे कि आप अगर प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हो खुद से, तो आपको फिर लॉजिस्टिक अरेंजमेंट भी देखना होगा, और इसके साथ साथ सारे पेमेंट ऑप्शन के लिए भी आपको ओपन रहना होगा कि कस्टमर आपको इजीली पेमेंट कर पाए, और स्पेशली जैसे मैंने कहा लॉजिस्टिक भी आपको खुद से अरेंज करना है, तो कैश ऑन डिलीवरी भी आप दे पाए, ऐसे ऑप्शन भी, ऐसे सर्विस भी आपको देखना पड़ेगा, ऐसे अरेंजमेंट्स आपको करना होगा। तो वो कैसे करेंगे, इन सारे चीज़ों को आप कैसे कर सकते हैं अगर आप खुद से प्रोडक्ट सोर्सिंग कर रहे हो, तो इसके बारे में मैं अपने आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगी कि कैसे ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो और एक सक्सेसफुली रीसेलिंग बिजनेस आप बिल्ड कर सकते हो सोशल सेलिंग के माध्यम से। तो आशा करते हैं इस वीडियो में दिए गए जानकारी आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपको लगे कि इस वीडियो से किसी और का भी मदद हो सकता है, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका समय शुभ रहे।